तो आइए एक बार प्रैक्टिकल शुरू करते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास में बहुत बड़ी गुड न्यूज आने वाली है। आज निफ्टी और सेंसेक्स अपने रिकॉर्ड हाई को टच करने वाला है। मतलब आज तक इतिहास में निफ्टी और सेंसेक्स का इतनी ऊंचाई तक कभी टच नहीं किया। क्रिसमस की बात कर रहे हैं, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि निफ्टी या सेंसेक्स कहां पे पहुंचेगा। बट अगर आप इस साल के क्रिसमस की बात कर रहे हैं तो मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं प्रिडिक्ट कर पाऊं मार्केट कहां पे होगा। दिलीप भाई, क्या जबरदस्त फ्लोज देखिए भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहे हैं। और जब भारतीय बाजारों में मुश्किल का दौर था तब आप जैसे फंड मैनेजर्स का कॉन्फिडेंस ही दरअसल बाजार को पसंद आ रहा था। और आप लोग हमेशा एक ही सुर में कहते थे शेयर बाजार में इन्वेस्टेड रहिए। जब बाजार गिरता था तो आप कहते थे कि SIP और बढ़ा दीजिए। और उसी की वजह से देखिए आज दर्शक जो है वो खूब पैसा बना पा रहे हैं। तो सबसे बड़े हकदार इस बधाई के आप ही हैं, क्योंकि आपने वो भरोसा जो है वो लोगों के भीतर कॉन्फिडेंस जो है वो बरकरार रखा। ये बताइए अब यहां से तो मार्केट खुलने वाला है। हम फिर से मार्केट ओपनिंग को देख रहे हैं और मार्केट खुलते ही एक बेल बजेगा, उसको भी आप सुनिएगा ताकि आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि मार्केट खुल चुका है। स्टोरी सेक्टर्स लीड करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लार्ज कैप्स में तो तेजी बनी, मिड कैप्स अभी भी थोड़े से पीछे हैं। आपको लगता है मिड कैप्स में भी सिलेक्टिव मिड कैप्स में पैसा बनेगा दर्शकों का? पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग आप जितनी क्रेडिट देते हैं उसके हकदार नहीं है। हमारे 1 लाख से अधिक IFA है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, जिन्होंने हमारे मैसेज को अपने इन्वेस्टर तक पहुंचाया है, उनको सहारा दिया है, कंधा दिया है। और शायद उन्हीं वजह से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने SIP के फ्लो चालू रखे और हमने ऑल टाइम हाईज को देखिए, देखा है हमने ऑल टाइम हाई आता हुआ 12,000 निफ्टी जाकर खुला और जबरदस्त प्रदर्शन देखिए आज भारतीय बाजार ने दिखाया। दूसरे दिन लगातार देखिए रिकॉर्ड स्तर छुए और 40,000 के ऊपर देखिए जाकर सेंसेक्स खुल चुका है। तो जबरदस्त प्रदर्शन ऑल टाइम हाई है और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी देखिए भाग रहा है, दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है। ऑल टाइम हाई निफ्टी के ऊपर भी रखिएगा नजर, ये भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है भारतीय बाजारों में और देखिए फ्लोज जो है वो बहुत ही शानदार रहे हैं। नीलेश भाई कह रहे थे कि देखिए मार्केट में और अच्छे दिन यहां से देखने को मिलेंगे, ये बात तो पक्की है। नीलेश भाई से हम आगे भी बात करेंगे मार्केट की ओपनिंग के बाद। ये नीलेश भाई वो जो बोल रहे हैं ना, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, गोल्ड मेडलिस्ट, CA में इनको गोल्ड मेडलिस्ट मिला है। सब CA होते हैं। आप दिखाइए और वो शेयर दिखाइए जो मजबूती के साथ खुल रहे हैं। बैंक्स के ऊपर रहेगी नजर, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक्स जैसे स्टॉक्स के ऊपर साफ तौर पर नजर रहने वाली है, क्योंकि देखिए ये वो शेयर हैं जहां पर पॉजिटिव फ्लोज भी आज के सत्र में रहेंगे, खासतौर पर ICICI बैंक का। और दूसरे शेयर भी लाएंगे आपके सामने। देखिए बैंक निफ्टी इस समय हमारे डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं 100 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा है। ICICI बैंक देखिए 500 रुपए के ऊपर निकल चुका है। कुछ ही देर पहले हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि यहां पर आप आज तेजी करेंगे तो आपका अच्छा खासा फायदा होगा। और भी बहुत सारे शेयर है, वेंकीज भी दिखाइए डॉक्टर साहब, जो आशीष का जैकपॉट आइडिया था, ये देखिए इतना बाहर सामने आ चुका है और दिखा रहा है ये कि बुल्स का पड़ा किस तरह से भाग रही है। निफ्टी के 50 कंपनी हैं, आपको आज निफ्टी के 50 कंपनी से यहां देखिएगी। बाकी सारे स्टॉक्स देखिए, चाहे वो ऑटो शेयर हो, आयशर मोटर, मारुति देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं आज के सत्र में। M&M में तेजी देखने को मिल रही है। प्राइवेट बैंक्स की हम बात कर रहे थे, एक्सिस देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। रिलायंस के ऊपर रखिएगा नजर, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप के पास जाने के लिए बिल्कुल देखिए आज तैयार है। बढ़िया पहला चीज हम जो पढ़े हैं 10 लाख करोड़ मार्केट कैप मतलब मैंने बता दिया आपको, ये स्टॉक भी दिखा रहा है। तो RIL जबरदस्त देखिए प्रदर्शन दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। और ये है वो तमाम शेयर निफ्टी के जो भाग रहे हैं। एशियन पेंट जैसे कंजम्पशन स्टॉक्स में देखिए अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। सन फार्मा हम लगातार पिछले कई दिनों से कह रहे हैं, इस पर रखिएगा नजर, ये भाग रहा है आज। और टाइटन में भी देखिए जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। ढीले कौन से स्टॉक्स है, गोल्डमैन की रिपोर्ट पर नेस्ले में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, जो टेलीकॉम शेयरों के लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर आई, उसके चलते इंडसइंड बैंक देखिए आपको लाल निशान में नजर आएगा। लेकिन इससे बढ़िया दिन प्रदीप हो नहीं सकता। देखिए रिकॉर्ड स्तर आखिरकार हमने छुए और अब हम उसके ऊपर देखिए ट्रेड करने लगे। तो इस बार 12,103 के पास आने के बाद देखिए हम दरअसल रुक नहीं रहे और ऊपर जा रहे हैं। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत बड़ी बात है, ये आप लोग उस इतिहास के गवाह हो।
इतिहास बनते, आप इतिहास बनते हुए देख रहे हो। सुनिए इसे। कोई जुआ अब हाई पे, हाई पे बस हाई है यहाँ। देखिए बुल का फोटो आया ना अभी। आज बहुत लोग करो समझो, समझो बनता है पैसा यहाँ। देखो देखो ये न किसी से छिपा यारो, यारो ना है ये कोई जुआ। अब हाई पे, हाई पे बस हाई है यहाँ। हाई पे, हाई पे बस हाई है यहाँ। तो नए हाई पे बाजार और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम आपको बता रहे थे जब बाजार कमजोरी में थे तब से लगातार खरीदारी कीजिए, नए हाईज आपको देखने को मिलेंगे। और हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको लगातार कहा खरीदारी कीजिए, आपका मुनाफा जरूर बनेगा, और वो आज बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 12,123 जी हाँ, यह आंकड़ा है समय निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक 31,700 के लेवल को पार करने की कोशिश में, तो यहां भी रिकॉर्ड बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आज के दिन में आपको नजर आएगा। बाजार खुलने के साथ ही रिलायंस ने अपने नए लाइफ हाईज फिर से छू लिए हैं, तो यह वो दिग्गज स्टॉक है जो आपको लीड करता हुआ एक बार फिर दिखाई दे रहा है। और लीडरशिप आज के ट्रेड में आ रही है मेटल्स की ओर से, टाटा स्टील हिंडाल्को जो मजबूती के साथ चलते हुए, और साथ ही साथ आप इंफोसिस, एचयूएल, ये दो और दिग्गज है जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक बार कंट्रीब्यूशन की प्लेट भी आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल ये जो बुल रन आप बाजार में चलते हुए देख रहे हैं उसमें जबरदस्त पार्टिसिपेशन अक्रॉस द बोर्ड अलग अलग सेक्टर्स का देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही ब्रॉड बेस्ड रैली। आज शुरुआत में अगर आप नजर डालें, अगर दो स्टॉक नीचे हैं तो पांच में तेजी, यानी आंकड़ा बिल्कुल फेवरेबल आपको बनता हुआ दिखाई देगा आज बाजार में। मिड कैप इंडेक्स 82 अंक ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स पर नजर डालेंगे वहां पर भी आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी, तो बाजार का मूड पूरी तरह बुलिश नजर आ रहा है। सरपुते जी, एक स्टॉक जो आपने स्पॉट किया हो इंडेक्स में या उसके बाहर? आई थिंक फर्स्ट में जो देख रहा हूँ वो जो काउंटर्स हमने सिलेक्ट किए थे 2020 में, उसमें से काउंटर्स मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि जहाँ पे ऊपरी खुलने के बाद फिर से एक री एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसमें से आप देखें जेके पेपर, जेके पेपर अभी के अभी वाला बाय बनता है। द रीजन इज इसमें जो रेजिस्टेंस था वो था करीबन 123.50 पे, जो कि इसका 200 DMA था, और ये जो खुला है सीधा 200 DMA के ऊपर, लेकिन इसने रीटेस्ट किया और मुझे लगता है कि जहां से यहां से जो रैली चलेगी ये बढ़िया चलेगी। तो मैं अगर मुझे फ्रेश लॉन्ग करना है और जो मिड कैप थीम है रहेगी, तो मुझे लगता है जो आज जेके पेपर शुड आउट परफॉर्म, जिसका टारगेट करीबन 140 का बनता है और ये बहुत क्विक आएगा, तो जेके पेपर लुक्स good to me। adding to JK paper, आप जो Liberty Shoes जो हमने सुबह में बात की थी, देखिए Liberty Shoes में कल price and volume breakout है, आज सुबह खुला 139 के आसपास, उसके बाद फिर से एक correction, 135 का level test करेगा, उसके बाद ये फिर से reverse करेगा और 150 plus का target मुझे लगता है कि Liberty Shoes में आएगा। तो Liberty Shoes and JK paper ये फिलहाल मुझे दो trades यहाँ पे दिखते हैं, और मेरा पूरा focus जो है वो clearly आज mid cap पे रहेगा। बिल्कुल, तो mid cap space पे आपको खरीदारी लगातार बनती हुई नजर आ रही है, और ये स्टॉक जो आपके लिए समय मुनाफा कमा रहे हैं वेंकीज पर भी जरूर आप नजर डालिए, जो आज का हमारा फेवरेट स्टॉक है, जैकपॉट शेयर भी। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपको जबरदस्त रिटर्न कमा कर देते हैं। वेंकीज पर भी एक राय दे दीजिए सर, जेके पेपर तो आपने कहा भागा है और देखिए भागना शुरू कर दिया, 5% ऊपर तक के मुकाबले देखिए 6-7% ऊपर मिड कैप का ही दिन है। वेंकीज के लिए क्या टारगेट है? मतलब आज मिड कैप का ही दिन है, आप देखें आज ओपनिंग में आपको ठंडा लगेगा लेकिन दोपहर के बाद इतना गर्म होगा ये मार्केट, क्योंकि जिस तरह से ये ब्रेकआउट और फ्रेश हाई बना रहा है, मेरे हिसाब से जो हम 12,250 की बात करें, 12,250 प्लस ये प्रोबेबली आजकल में हो जाएगा। तो मिड कैप पे ध्यान रखिए, जहां पे हमने जो वेंकीज की बात की, देखिए तो बहुत सारे पॉइंट्स जो हमने कवर किए क्लास में सब आ रहे हैं, कुछ कुछ न्यूज समझ में आ रहा है। अब आप लोग जब भी टीवी खोलोगे मूवीज चैनल्स में नहीं जाओगे, सीधा इसमें आओ। 2000 ठीक है, फाइन। तो आज आपने इतिहास बनते हुए देखा है, करंट 9 से 7 ऑल टाइम हाई सेवन। चलिए तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ट्रेडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये प्राइस बनते कैसे हैं, ये प्राइस बनते कैसे हैं ये बताइए मुझे जरा, ये प्राइस किसे बनते हैं। आज मैं आपको ऐसी चीज समझाऊंगा कि आप बिल्कुल एकदम
आंख खुला का खुला रह जाएगा। ये प्राइस बनते कैसे हैं आज मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं और आज मैं आपको बताता हूं कि ये प्राइस कैसे बनते हैं। एनीवन? डिमांड सप्लाई प्रेशर, बोलो यस। डिमांड सप्लाई प्रेशर से बनते हैं प्राइस। तो आज मैं आपको एक कंपनी का शेयर प्राइस दिखा रहा हूं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक कंपनी का शेयर प्राइस मैंने दिखाया, कितना रुपए चल रहा है अब ये, 58.15 यहां पर और 50 यहां पर, ठीक है। तो आप कोई एक चीज पकड़ लीजिए, बीएससी एनएससी, वो देख लेंगे क्या पकड़ना है। हम गए, मेरा अकाउंट खुल चुका है। अब मैं क्या करा, मैंने गया यहां पर, मैंने टाइप किया स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आया कि नहीं, आ गया बीएससी, चलो बीएससी का पकड़ लेते, ठीक है, बीएससी का ले लेते हैं। अब मजा आने वाला है, प्राइस कैसे बनता है। ये जो प्राइस बनाया है 58 बीएससी, देखिएगा 58.50, ये कैसे बना। अच्छा, तो अब अपन क्या करेंगे, मैं इसे बाई करना चाहता हूं, देखो ध्यान से सुनना हा, मैं इसे बाई करना चाहता हूं। हमने यहां बाई किया, ठीक है, और हमने लिमिट में बाई किया, इंट्राडे में बाई किया हमने, लेट से फॉर एग्जांपल, और हमने बाई किया 58 में, ठीक है, और हमने यहां बाई किया और प्लेस ऑर्डर किया। और अब हम ऑर्डर बुक में गए और देखते हैं कि हमारा ऑर्डर बुक सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। पेंडिंग आ रहा, देखिए, मतलब मेरा सौदा लग चुका है, मैंने 58 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बाई करने का सौदा किया है 58 में। अभी कितना चल रहा है, अभी चल रहा है 62.5। मैंने बीएससी में, सुन लीजिए अच्छे से, मैंने बीएससी में इस शेयर को 58 में बाई करने का सौदा किया है और मेरा अभी जो आ रहा है पेंडिंग आ रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर जो मेरा सौदा आ रहा है वो यहां पर पेंडिंग आ रहा है। आपको मैं एक बार दिखा दे रहा हूं, सबसे ऊपर देखिएगा पेंडिंग आ रहा है, यस और नो, ऊपर पेंडिंग आ रहा है, यस और नो, यस। मैंने 58 में बाई करने का सौदा किया है और अभी कितना चल रहा है, तो मेरा सौदा अब 58 हो गया। अब मेरा सौदा कब कंप्लीट होगा, जब ये 58 आएगा या कोई सेलर 58 में आएगा, यस और नो, यस। अब देखिए मेरा बात, अब मैं एक बार गया यहां पर, गया डिटेल्स में, ठीक है, और मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड में गया। अब देखिए यहां पर आपको एक चार्ट दिखा रहा है, सामने एक चार्ट दिखा रहा है ना, सामने एक चार्ट दिखा रहा है, बोलिए यस, ठीक है। तो ये जो चार्ट आपको दिखा रहा है, इसमें आप देख के मुझे बताइए कि इसमें मैं कहां हूं, सुनो, मैंने कितने में बाई करने का सौदा किया है, 58 में मैं बाई करने का सोचा कि ये मैं नीचे वाले मैं उसमें हूं, मतलब और भी लोग खड़े हैं, 17 लोग और खड़े हैं 58 में बाई करने के लिए, 17 क्वांटिटी, मैंने तो एक ही किया था ना, 58 में मैं वो हूं, इसमें टॉप बायर और टॉप सेलर आ रहा है, मतलब 58 में पांचवें पायदान में हूं। आप देख रहे हैं, मैं आना चाहता हूं और लंबे पायदान में। अभी कितना भाव चल रहा है, 62 पॉइंट, वो थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हर सेकेंड अपडेट हो रहा है ना, तो मैं थोड़ा और ऊपर आना चाहता हूं। मैं 58.50 में गया, वहां पर मैं अपने ऑर्डर बुक में गया, ध्यान से देखते रहिएगा, बस बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूं। मैं ऑर्डर बुक में गया और मैं यहां पर ऑर्डर बुक में जाकर अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहता हूं, मैं आपका मॉडिफाई करना चाहता हूं। यहां पर क्लिक किया मैंने मॉडिफाई और मैंने किया 58.55 कर लो, चलो 58 मॉडिफाई बाई प्लेस ऑर्डर। अब मैं जल्दी फटाफट गया मैं वहां पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, अब मैं 58.55 क्या याद रखिएगा, मैं वहां गया 58.55 मैंने किया है, मैं डिटेल में गया और 58.55 में मैंने किया है, देखता हूं मैं कहां हूं, 58.5 आया क्या, मैं मेरे से अच्छे बायर खड़े हैं, मेरे से अच्छे, अब तो मैं हूं ही नहीं लाइन में, अब तो मैं लाइन से मुझे हटा दिया गया है, मतलब मैं बहुत कम भाव दे रहा हूं इस शेयर का, 58 पॉइंट,
लोग यहां पर खड़े हैं और दूसरे दूसरे लोग खड़े हैं बाई करने के लिए, ये अपडेट हो रहा है हर सेकेंड। तो मैं अभी तक यहां पर नहीं आया, 58.55 में नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा 59.50। अब देखो, देखता हूं मेरे को कैसे नहीं लाता ये, ठीक है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, इनको चैलेंज कर रहा हूं, 15 क्या बोला था मैंने अभी, 59.5। जल्दी जल्दी कर, देखो इतना टाइम लग रहा है ना, उतना टाइम लगना नीचे। फिर मैंने मॉडिफाई किया 59.50, मैंने किया मॉडिफाई, मैंने किया प्लेस ऑर्डर, मैं गया फटाफट, गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बायर सेलर देखा मैं। अरे जल्दी जल्दी जल्दी, अब इतना लेट नहीं चलेगा। अब देखो 50 क्या नाम मेरा, मेरा क्या था 59, ये मैं हूं, ये मैं हूं, एक इसमें मैं हूं, दो ऑर्डर लगे हैं ना, कोई है क्लास में जिसने लगाया है? ए देखो ये लड़के ने लगाया है, उस लड़के ने ऑर्डर आपने लगाया 59.1, एक लड़का ये और एक लड़का मैं। आप अपना ऑर्डर हटाओ, तो ऑर्डर हटाओ अपना, नहीं सही मत कह रहा हूं, ऑर्डर हटाओ एक बार फटाफट, ऑर्डर हटाओ, हटा दिया, हटाइए ऑर्डर हटाइए, ऑर्डर हटाइए। ए देखिए एक मैं हूं बस, अभी अभी उन्होंने हटाया, ये सुन लो, फिर लगाइए, फिर हटाइए, ऐसे दिखते रहिए, खुश होइए। मैंने पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, कहीं से भी ट्रेडिंग कर सकते, पूरे वर्ल्ड में मैं अकेला ये हूं जो सबसे बेस्ट बायर है इस शेयर के ऊपर, बेस्ट बायर हूं मैं, मतलब मेरे से अच्छा रेट कोई नहीं लगा रहा बाइंग में। अब समझ, गरज होता है ना जिसको, अब मेरे को गरज है तो मैं 60 भी लगा दूंगा। अब बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर का इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता। अब मेरा बाइंग प्रेशर कैसे आएगा, कोई आ जाएगा 60 लगाने, और कोई 61 62 63, इस तरह से बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता है। ये सुनो, अब किसको गरज है देखना पड़ेगा। अगर बायर को गरज है तो मेरा 59.5 मेरा नहीं हो रहा, चलो 60 लगा देता, मुझे लेना ही है, मेरा गरज है, मेरे को लेना ही है, तो मैं भाव बढ़ाऊंगा ना। सेलर बोल रहा है भैया भाव बढ़ाओ, ठीक है, तो इसका मतलब इस प्राइस से सबसे पहले बात है कोई लेना देना नहीं है 58.65 से। 58.65 भी मैं लगा दूंगा तब भी नहीं होगा, चलो देखता हूं। अब देखो मेरा 59.50 हूं मैं, अब मैं और अच्छा रेट लगाता हूं, मैं और अच्छा रेट लगाता हूं। अच्छा सेलर कितने में खड़ा है, 60 में, 60 होगा तो मैं, हम दोनों मिल जाएंगे। ये कोई और हो, ये कोई है क्या क्लास में, क्लास का तो नहीं है ना कोई, ये 60 कोई होगा, हम और ये तभी मिलेंगे जब मैं भी 60 वो भी 60, या वो 59.50 मैं भी 59.50, हम दोनों की सहमति से ही ऐसा होगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यही शेयर क्यों पकड़ा, क्योंकि ये बहुत स्लो मूविंग है, इसमें बहुत लोग नहीं आते हैं शेयर ट्रेडिंग करने। अभी रिलायंस और वो ले लेता तो एक सेकंड ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बायर सेलर रोज आ रहे हैं, हर सेकंड आ रहे हैं, तो वहां पर बताना यहां पर स्थिर है, रुका हुआ है, तो समझाना में मजा आता है इस शेयर पे, इसलिए मैं इसी शेयर पे रहा। अब मैं 60 करूंगा ना, तब जाके हम दोनों मिलेंगे, या तो वो गरज के दिखाए, वो भी देख रहा है मुझे, मैं भी उसे देख रहा हूं, यस एंड नो, देख तो दोनों एक दूसरे को रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि झुकेगा कौन, यस एंड नो, वो पहले झुकेगा या मैं पहले झुकूंगा, सवाल ये है। वो भी मुझे देख रहा है, मैं भी उसे देख रहा हूं, सवाल ये कि कौन झुकेगा पहले। मैं बोलूं नहीं मैं नहीं झुकूंगा, मैं तो दिन भर 59.50 में रहूंगा, तुम्हें आना है तो आओ। वो कहेगा मैं नहीं झुकूंगा, तुम्हें आना है तो आओ। ऐसे हम दोनों लड़ाई करेंगे, और अगर हम दोनों नहीं मिले, हम दोनों नहीं मिले और अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो आज प्राइस 58.65 ही रहेगा इस, और ट्रेडिंग हो ही नहीं पाएगी आज दिन भर, आज दिन भर ट्रेडिंग ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि ना मैं झुक रहा हूं ना हम दोनों में सहमति नहीं बन पा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं इसको स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी को समझो इससे। लेकिन हम दोनों आपस में अपने आप को देख रहे हैं, ना वो झुक रहा ना मैं झुक रहा हूं, कोई तीसरा कूद जाएगा, कहता है मैं झुकने को, वो आ गया 60 में, तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या हो जाएगा। अब पता चला कैसे प्राइस बनता है, कोई आ जाए, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम दोनों ही एक दूसरे को देखेंगे, और भी लोग हैं, जैसे आप लोग मजे ले रहे हैं, आप लोग मजे ले रहे हैं, आप लोग कुछ कर, अरे
मैंने ये प्राइस बनाया है, ये 59.50 मैंने बनाया है। कोई आया होगा मुझे बेचने, कोई ना कोई आया होगा मुझे बेचने, मेरा बिक गया होगा, मेरा मैंने खरीद लिया होगा। अब देखो ऑर्डर में गया मैं, अब वो झुका या कोई और झुका, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, एग्जीक्यूटेड, मतलब मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर बन चुका हूं। यस और नो? अब पता चला प्राइस कैसे बनता है, बिल्कुल अच्छे से ये। हाँ, ऐसे तो हम प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, करके देखो ना। छोटे मोटे शेयर में हो जाएगा, बड़े बड़े जो शेयर से जिसमें टर्नओवर बहुत, इसको मैंने क्यों पकड़ा, देखो ध्यान समझना, इसको मैंने क्यों पकड़ा, इसका वॉल्यूम देखो, ओनली 403 वॉल्यूम है। देखो ध्यान से सुनना, बीएससी में इस सामने दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है यहां पे, एकदम सामने दिख रहा है कोई चीज, बोलो यस। ये 400 शेयर की ट्रेडिंग हुई है और वहां पे कितनी हुई है, 200 नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है ये 200 साइड में लगा हुआ है ना, और उसमें थोड़ा 400 नजर आएगा, दिख नहीं रहा है, चलो कोई नहीं। ऊपर मतलब 200 शेयर मात्र इंडिया में, सिर्फ 200 शेयर के अभी तक इसमें काम हो रहा है, 200 बहुत। अब एक बार हम रिलायंस का देखते हैं, अब हम देखते हैं यही चीज मैं देखता हूं रिलायंस का, ठीक है। अब देखो यही चीज मैं देखता हूं, यही चीज मैं देखता हूं, लेट से फॉर एग्जांपल वोडाफोन का, लेट से वोडाफोन का मैं यही चीज देखता हूं, ठीक है। अब देखो इसमें, ओ माय गॉड, इतनी वॉल्यूम है तो इसमें हम जल्दी से कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना स्थिरता से मैंने आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्थिर रहा, उसमें ज्यादा वॉल्यूम नहीं होती है, ज्यादा लोग उसको बाय सेल नहीं करते उस शेयर को, लेकिन यहां पर मेरा बताना मुश्किल हो जाएगा। यहां मैं लगाऊंगा कोई झुक जाएगा, कुछ लगाऊंगा कोई झुक जाएगा, यहां सब झुकने को, जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी होगा यहां पे काम, यस और नो? क्योंकि इतना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है कि किसी को रोक नहीं सकते ना, यस और नो? लेकिन वहां पर स्थिर था, वहां मैंने बोल दिया सौदा हटाओ, सौदा हटा दिया, हटा दिया ना, ऐसी सौदा, बहुत कम शेयर्स में ये काम हो जाता है, लेकिन वही काम इसमें भी हो रहा है, लेकिन यहां पे इतना जल्दी से झुका झुकी पता नहीं चलेगा, वहां पे पता चला, यहां पे भी हो रहा है वही काम, लेकिन यहां फास्ट हो रहा है, फास्ट 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 फास्ट, यस और नो? तो लेकिन आपको यह पता चल गया कि प्राइस कैसे बनता है।